मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम कलरव कक्षा 5 पार्ट 16 करेंगे, जो कि है विजय पथ। कछुआ और खरगोश में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ में रहते थे और खेलते थे। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा, मित्र क्यों ना एक दिन हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए, मैं तैयार हूँ, कछुआ बोला। दोनों ने अपने साथियों को बुलाकर दौड़ का रास्ता और गंतव्य स्थल तय किया। फिर एक निश्चित दिन पर दौड़ की घोषणा हुई। दौड़ के दिन की घोषणा होने पर खरगोश एकदम निश्चिंत था। उसे पूरा विश्वास था कि कछुआ उससे दौड़ जीत नहीं पाएगा। उधर कछुए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। वह दौड़ जीतने को लेकर योजना बनाने में जुट गया। दौड़ के लिए निश्चित दिन पर कछुआ और खरगोश निर्धारित स्थान पर दौड़ के लिए उपस्थित हुए। गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। कछुआ धीरे धीरे चला, जबकि खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल गया। एक पेड़ के पास पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, क्यों ना मैं थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। उसे विश्वास था कि कुछ देर बाद वह तेज रफ्तार में दौड़कर अपने गंतव्य स्थान तक कछुए से पहले पहुंच जाएगा। खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। मंद मंद पवन बह रही थी, पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। ऐसे सुहावने वातावरण में खरगोश को नींद आ गई। उधर कछुआ अपनी मंद गति से लगातार गंतव्य की ओर चलता रहा। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर कछुए ने इधर उधर देखा, उसे खरगोश कहीं नहीं दिखाई दिया। उधर खरगोश की नींद खुली तो उसने गर्दन घुमाकर दूर तक देखा, उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। अरे, अभी कछुआ यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, खरगोश ने सोचा और गंतव्य की ओर तेजी से दौड़ चला। गंतव्य स्थल पर पहुंचकर देखता है कि कछुआ वहां पहले से ही मौजूद है और उसे तमाम जानवर मालाएं पहना रहे हैं। इसके जो इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो नहीं दिए गए हैं। अगर आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो उसे आप डिक्शनरी यानी शब्दकोश से ढूंढकर लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।